तरन तारण पिछले दिन एक मामला सामने आया सी जिथे कार सवार नौजवानों वालों पहला कार में पेट्रोल पवा लिया गया तो फिर पैसे देने की बजाए कार भजा ली गई, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिक वालों पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस वालों इन चार नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों वालों इन चार नौजवानों के भविख तो पढ़ाई की उम्र वेखते हुए एक वड्डा फैसला लियांदियां इन नौजवानों का पेट्रोल पंप मालिक के विचकार एक समझौता करवा दिता गया। पुलिस अधिकारियों वालों नौजवानों तो एक माफ़ीनामा लिखवाया गया, जिस विच नौजवानों को कहा गया कि वह भविख में अजिही कोई गलती नहीं करेंगे। तो हुण इह नौजवान अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदां साहिब विच एक हफ्ता लंगर घर की सेवा कर पेट्रोल पंप के मालिक को 4100 रुपया पेट्रोल का परिवार वालों दे दिता गया। शमशेर सिंह है जी, मैं रोशन लाल फिलिंग स्टेशन पर एज ए मैनेजर जॉब करदा जी। परसों साढ़े पंप से वारदात हुई, 5:05 से कोई चार बच्चे आए गड्डी दे विच जो कि तेल भरवा के बिना पैसे दिते गड्डी भजा के लै गए। तो फिर उस तो बाद असी तुरंत 100 नंबर पर फोन लाया जी, अपना पुलिस को इनफॉर्म किया। पुलिस ने छानबीन करके कुछ ही घंटिया के परसों ही रात कोई तकरीबन 9-10 बजे के गड्डी भी बरामद कर ली, तो बच्चों को भी हिरासत में ले लिया। सो अज असी राजीनामा कर रहे हैं जी इन्हों बच्चों, उसका कारण ये कि बच्चे अजे छोटी उम्र के ने, इन्हों मतलब कि अगाह वास्ते एक लैसन दिता है कि अगाह वास्ते कुछ अजिहा ना करन, कोई छोटी मोटी गलती भी ना करन। तो इन्हों की अपना SHO साहब ने गुरद्वारा साहेब शीशगंज अपना अमृतसर गुरद्वारा साहेब एक हफ्ते की ड्यूटी लाई हुई है, सेवा लाई हुई है। सो असी अपना 4100 रुपया जो कि नहीं सी दे के गए वह बरामद कर लिया, तो असी इन्हों माफ़ कर रहे हैं। मैं SHO सिटी तरन तारण वरिंदर सिंह खोसा, 24 तरीक शाम 5 बजे का इतने एक वाकया होया, जिस विच रोशन लाल फिलिंग स्टेशन है दाना मंडी के नेड़े। इतों चार जने ने 4100 का तेल पवाया तो बिना पैसे दिते गड्डी नूं भजा के लै गए, तो उन्होंने गड्डी सेल्समैन से भी चढ़ सकती सी, कोई भी खदशा सीगा। उस तो बाद मामला SSP साहब की निगरानी विच लिया गया, तो उन्होंने सानू तफ्तीश से लगाया। तफ्तीश दौरान सानू पता लगा कि यह गड्डी गुरजीत सिंह वासी नूर दी अड्डा तरन तारण की है। तो जो असी उन्हां तक 2 घंटे के उन्हां तक असी पहुँच की, तो उन्होंने सानू दस्सिया कि 4 बजे ये गड्डी असी अमृतसर वासी नूं वेच चुके हैं। जो अगे असी तफ्तीश वधाई टैक्नीकल माहरां की मदद के नाल, असी रणजीत एवन्यू अमृतसर पहुँचे, उत्तों सानू गड्डी भी रिकवर हो गई, तो एक बच्चा लगा लो 17-18 साल का वह भी सानू मिल गया। उस तो बाद असी उन्हां तों पुछगिछ की, पुछगिछ तो पता लगा कि जो ये चार बच्चे सीगे ये कोई 10th क्लास पढ़ता, कोई 11वीं पढ़ता, तो इन्हों का उम्र 17 साल आदि 18 साल है। तो ये चीज़ SSP साहब की निगरानी से लिया गई, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों का बैकग्राउंड चैक करो, बैकग्राउंड इन्हों का कोई क्राइम नहीं किया हुआ, बहुत इंटैलीजेंट बच्चे ने, स्टडीज़ भी अच्छे ने, अच्छी फैमिलीज़ तो ने, करके SSP साहब ने इन्हों के फ्यूचर के ध्यान रखते हुए इन्हते कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हों तो असी एक तो माफ़ीनामा लिखवाया कि यह माफ़ी मंगणगे, जो फिलिंग स्टेशन तो तेल पवा के 4100 का 4100 रुपये वापस करनगे। तो उस तो बाद इन्हों की एक हफ्ता गुरद्वारा साहिब अमृतसर विखे सेवा लगाई गई है। तो तीसरा इन्हों तो लिखवाया गया कि अगे तो इस चीज़ किसी भी इस तरह की कार्रवाई या कारनामे नहीं पैणगे। ये चीज़ की गई है इन्हों के फ्यूचर को मुख्य रखते हुए, क्योंकि अजे बच्चे है, न्याणी मत लगा लो या तैश भी आ के इन्होंने कारा कर दिता, बट ये इंटेंशनली ये चीज़ नहीं चाहते सी, इस कारण असी इन्हों माफ़ीनामा लिखा के छड़ रहे हैं। तो असी चाहते हैं कि ये बच्चे इन्हों तो माफ़ी मंगन, जो पेट्रोल पंप वाले साढ़े को बैठे ने उन्हों को 4100 रुपये वापस करन, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं। ये एक हफ्ता उत्थे लंगर सेवा करनगे, तो उत्थे मैनेजर साहब नूं इन्हां नूं मिलवाया जाऊगा, तो वह इंश्योर करनगे कि एक हफ्ता ये सेवा लई उत्थे आउंदे ने। अजय बाल मेरा नाम आ, तो 24 तरीक नूं असीं गड्डी लिती सी, तो उन्हें कहिंदे असीं मस्त उन्हें कहिंदे पेट्रोल पंप तो तेल भरा के पैसे देना भुल गए सी, तो उन्होंने मगर कंप्लेंट करती सी, तो उन्हें कहिंदे तो असीं बाद चो SSP दा SSP सर दा तो उन्हें कहिंदे PPA पुलिस पंजाब का यानी कहें अं धन्यवाद करते हैं कि यानी कहें सा भविष्य वेख्या उन्होंने, तो साड़ी ड्यूटी लाई गई यानी कहें दरबार साहब की,
ते ही अपने पूरे मन वधिया तरह करांगे। तरन तारण पुलिस के उच्च अधिकारियों वालों नौजवानों के भविख में वेखते हुए कार्रवाई की गई है और बहुत ही शलाघायोग कदम है।